देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है, तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। झारखंड का गुमला जिला स्थित बसिया प्रखंड का आर्या पंचायत है। समीक्षात्मक बैठक COVID-19 से पहले हम लोग रखे थे, उसमें क्या क्या पंचायत को सहयोग चाहिए और विभाग को पंचायत से क्या सहयोग चाहिए। यहाँ की मुखिया जसिंता बागे है। इन्हें पता है कि पंचायत का विकास तभी संभव है जब गांव की हर छोटी से छोटी समस्या ग्राम सभा तक पहुँचे और उसका सही तालमेल पंचायत से हो। मेरा नाम सावित्री इंदवार है। मेरा गांव में 7 चापाकल है लेकिन अभी 3 खराब है, उसमें पानी के लिए समस्या हो रही है। सभी जल सहिया लोग अपना अपना गांव का जो चापानल खराब है उसका लिस्ट बना के पंचायत को दीजिए, PhD विभाग को हम लोग भेजेंगे। जसिंता बागे एक साधारण परिवार की महिला जो गांव की एक महिला समूह से आगे आकर 2010 में पहली बार मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ी और जीत भी गई। इस साल तीसरी बार ये मुखिया पद के लिए चुनी गई हैं। पंचायत मुखिया चुनने का यही महिला मंडल की दीदी समूह और गांव के लोग आपस में बातचीत किए और वही लोग विचार विमर्श किया कि हमारे क्षेत्र से आपको पंचायत चुनाव में हम लोग सहयोग देंगे और आपको इसमें आगे आना होगा, इसमें मैं हाँ बोली। उस समय भी हमको डर तो लगता था कि बनने को हम बन गए लेकिन करें कैसे, जाएं पंचायत कैसे। पंचायत में तो बड़े बुजुर्ग लोग बैठते हैं, बहुत कम ज्ञान है हमको। बड़े बुजुर्ग लोग अगर मेरे अगल बगल बैठेंगे तो हम उन लोग के सामने कैसे बर्ताव करेंगे, लेकिन वो लोग हमको समझाए भी और सहयोग भी दिए, सजेशन भी दिए, चलिए आप आए हैं पंचायत में बहुत अच्छी बात है, आप मिलकर चलिए, हम लोग आपको सहयोग देंगे और धीरे धीरे हम आगे आए। ऐसे करते करते फिर पंचायत में घूमे, लोगों के साथ बैठे उठे ग्राम सभा सब में, तो ऐसे करते करते जान परिचय ज़्यादा हुआ। जसिंता दीदी के लिए 3 बार मुखिया बनने का सफ़र आसान नहीं था, वो भी तब जब गांव के अंदर एक ऐसी मानसिकता बनी हो कि चुनाव सिर्फ पुरुष ही लड़ सकते हैं और वो ही गांव को संभाल सकते हैं। ऐसे में जसिंता दीदी के लिए ये एक चुनौती थी कि एक अकेली महिला कैसे चुनाव के लिए फॉर्म भरेगी, गांव-गांव जाकर कैसे प्रचार प्रसार करेगी और सबसे जरूरी इन सब के साथ अपना घर कैसे संभालेंगी। लेकिन दीदी ने इन चुनौतियों से लड़ने की ठानी और इसी का नतीजा रहा कि लोगों ने फिर से इन्हें मुखिया पद के लिए चुना है। खेती तो हम लोग अभी तक किसान ही हैं दादा, किसान खेती बाड़ी से छोड़ देंगे ना तो फिर हम लोग
मुखिया से ही तो जीविका नहीं चलेगा। और हम एक पंचायत के भी दीदी हैं और एक घर के भी माँ हैं, तीन बच्चों की माँ भी हैं, सास अभी वृद्ध है और ननंद है, वो उनका दिमागी जो क्या बोले मानसिकता उनका कमजोर है, फिर भी हम मैनेज कर ही लेते हैं। बाहर भी टेंशन हो जाता है, फिर भी घर में भी टेंशन हो जाता है, एक दो शब्द अपना जो बोलना है बोल लेते हैं, फिर अपने आप को शांत कर लेते हैं, काहे कि हम अकेले दीदी हैं। पेसा कानून के तहत ग्राम सभा अगर किसी गांव की संसद है तो पंचायत वहां की कार्यपालिका। लेकिन इस कानून के लागू होने के इतने साल बाद भी झारखंड में पंचायत और ग्राम सभा के बीच जो तालमेल होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है, सिवाय आर्या पंचायत के। दुई गो यहाँ गांव में काम मिल है, ये काम की एक ठो है चबूतरा मरम्मती और एक ठो देवाल है नली। तो चबूतरा तो खैर ये पुराना चबूतरा है, उखे मरम्मती करे खोय और एक ठो नली जे दे है, वो नली के हमरे कहाँ पर बना सकर कुछ चर्चा करल जाए। अगर हमने ग्राम सभा तो बैठी ला और ग्राम सभा में बात निर्णय करी ला, लेकिन वो निर्णय आधार हमें चलबे नहीं करो थे, उके कैसन करो। ग्राम सभा के साथ रिश्ता बना के फायदा ही हुआ दादा, जैसे कि जीपीडीपी योजना बनाओ अभियान, वहाँ ग्राम प्रधान होते हैं, वहाँ वार्ड मेंबर होते हैं और सारे गांव के लोग आते हैं, और सबसे पहले ग्राम सभा में ये चर्चा होता है कि किनको पहले योजना की ज़रूरी है, उसके बाद जो वार्ड मेंबर के दादा दीदी हैं वो लोग अपना रजिस्टर लेके पंचायत में इकट्ठा करते हैं और वे उन्हीं के द्वारा से योजना का जो प्राथमिकी होता है उसी के आधार पर फिर से कार्यकारिणी रजिस्टर में चढ़ाया जाता है, उसी के बाद फिर से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला और जिला से फिर प्लान बन के आता है, उसी के बाद हम लोग फिर से उनको सूचना देते हैं और धरातल में काम शुरू होता है। एक पंचायत में 7-8 गांव हो गए और उन सभी को समन्वय करना पंचायत का काम है, पंचायत से समन्वय करना प्रखंड का काम है कि बीच में जो सर्कल बना हुआ है पूरा कि गांव से जो समस्याएं वो आके पंचायत में रखे। अगर ग्राम सभा सशक्त होगी, पंचायत बहुत जैसे सशक्त होगी, तो जो छोटी छोटी समस्याएं लोगों की है मुझे लगता है क्षण करके प्रखंड तक आएंगी। 4 गांव ऐसे हैं जो जंगल क्षेत्र में पड़ते हैं, जैसे साकिया हुआ, कुरडेगा हुआ, कोनोस्केली और आर्या, जो यही खास है। यहाँ के लिए हम लोगों ने बात किया गांव के ग्राम सभा और ग्राम प्रधान, कार्यकारिणी, पंचायत, सभी लोग तालमेल लगाकर हम लोग बात किए और वहाँ के लिए हम लोग सामुदायिक वन पट्टा के लिए लोगों को जागरूक किया और इसी का नतीजा हुआ 3 ग्राम सभा को सामुदायिक वन पट्टा मिला। एक ग्राम सभा का कुछ गड़बड़ी है तो उसमें संशोधन हो रहा है। 87 का हम लोग को पट्टा अभी नहीं मिला है और हम लोग को मिला है 50 acres 92 decibels का पट्टा मिला है। समस्त ग्राम सभा प्लस आवल बतिया से सुझाव चाहिए कि आधा बैन है और बाकी के कब बनवा या कैसन करो आप करब। कोई भी परिस्थिति होता है तो उस समय भी और अभी भी ग्राम सभा साथ में होता ही है। छोटा सा भी क्यों ना ये मुसीबत हो, छोटा सा भी क्यों ना समस्या हो, लेकिन हम अकेले समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। ये बात तो तय है कि अगर किसी पंचायत की मुखिया पढ़ी लिखी मजबूत महिला होगी तो वहाँ के लोग और गांव भी मजबूत होंगे। आज जसिंता बागे से प्रेरित होकर दूसरे पंचायत के मुखिया भी ग्राम सभा के साथ तालमेल बनाकर अपने पंचायत को सही दिशा में ले जा रही है। इसका अच्छा उदाहरण झारखंड के सोनुआ प्रखंड स्थित बाड़ी पंचायत की मुखिया सुनीता गागराई है। गांव स्तर में जैसे कि किनका घर में बूढ़ा बुजुर्ग हैं, सर्वे कर रहे थे, उसी तरह से ही हम घर घर भी गए थे कि चलिए हम आज मुखिया नहीं भी हुए हैं, नहीं बने हैं, तब भी आप लोगों को इतना मदद कर रहे हैं,
तो आगे चल कर अगर आप लोग भी हमको मुखिया हमको बना दीजिएगा तो और मदद करेंगे। हर गांव में हर टोला में ग्राम सभा का माध्यम से जितना भी वार्ड में समस्या है उसी का माध्यम से ही समस्या को लेकर के आगे काम करें।